हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, यह हमारे एमसीक्यू सीरीज की न्यू वीडियो है। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम यहां पे कवर करते हैं। यह सीरीज आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे के NTPC, ग्रुप डी और SSC, CHSL, CGL, MTS, स्टेनोग्राफर, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आपको इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीजेस, मतलब ह्यूमन जो सांस लेने और छोड़ने का जो मानव की प्रवृत्ति होती है उसमें क्या रिलीज होता है। ऑप्शन है, ए है मिक्सचर ऑफ गैसेस, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, आपको जवाब देने के लिए 5 सेकेंड का समय मिलेगा, और आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द ट्विटर, मतलब ट्विटर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है, ए है मार्क जुकरबर्ग, बी है टिम क्रुक, सी है नोआर्क और डी है इवॉन विलियम्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इवॉन विलियम्स। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द ईयर वॉज आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब आम आदमी पार्टी की स्थापना किस साल हुई थी, बनाई गई थी। ऑप्शन है 2010 में, ऑप्शन बी है 2011 में, ऑप्शन सी है 2012 में और ऑप्शन डी है 2013 में। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2012 में। नेक्स्ट है, फ्री स्टाइल वर्ड इज रिलेटेड विद, मतलब जो फ्री स्टाइल वर्ड है किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है टेनिस, बी है खो खो, सी है कबड्डी और डी है स्विमिंग। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विमिंग। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ साउंड पोल्यूशन, मतलब इसमें से साउंड पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है डेथ ऑफ एनिमल, बी है लो ब्लड प्रेशर, सी है हाई ब्लड प्रेशर और डी है ओजोन डिप्लेशन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओजोन डिप्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एसोसिएटेड विद क्रिएशन ऑफ स्टोन इन किडनी, मतलब जो हमारे किडनी में स्टोन हो जाता है दोस्तों, वह इनमें से किस एसिड के कारण होता है। ऑप्शन है, ए है कैल्शियम ऑक्सलेट, बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी है मैग्नीशियम साइट्रेट। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग, मतलब जो हमारा जीभ है उसमें कितने टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन है, ए है 2000 से लेकर 8000 तक, बी है 50000 से लेकर 1 लाख तक, सी है 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक और डी है 10 मिलियन से ज्यादा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2000 से लेकर 8000। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन है, ए है मोशन या इंपल्स, बी है ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स, सी है इलेक्ट्रिक फ्लो और डी है डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फ्लो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लीस्ट वेवलेंथ, मतलब इनमें से कौन से कलर का सबसे कम वेवलेंथ होता है। ऑप्शन है, ए है ग्रीन, बी है ब्लू, सी है रेड और डी है वायलेट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायलेट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दिस इज अ नोबल एलिमेंट, इनमें से कौन सा नोबल एलिमेंट है। ऑप्शन है, ए है आयरन, बी है सिल्वर, सी है ब्रॉन्ज और डी है एल्युमिनियम।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच एजेंट इज गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब इनमें से कौन सा एजेंट जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा होता है। ऑप्शन है ए है कैटलिक एजेंट, बी है रिड्यूसिंग एजेंट, सी है स्टरलाइजिंग एजेंट और डी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके लिए आपके ऑप्शन है ए है 61 इयर्स, बी है 63 इयर्स, सी है 65 इयर्स और डी है 68 इयर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 65 इयर्स। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है ए है 24th नवंबर, बी है 25th नवंबर, सी है 26th नवंबर और डी है 27th नवंबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26th नवंबर। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है। ऑप्शन है ई है 12, बी है 10, सी है 8 और डी है 6। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12। नेक्स्ट है विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, मतलब इनमें से कौन सा हाई कोर्ट इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। ए है बॉम्बे हाई कोर्ट, बी है मद्रास हाई कोर्ट, सी है इलाहाबाद हाई कोर्ट और डी है कलकत्ता हाई कोर्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता हाई कोर्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।